फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एजेंट के जैसा आप टिकट को कैसे प्रिंट ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक आपने अगर IRCTC रेल कनेक्ट से अपने ऐप से एप्लीकेशन से यहाँ पे बुक किया हुआ है, बुक करने के बाद क्या होता है कि यहाँ से अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं या PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे लाइक यहाँ पे मैंने बुक कर लिया ऑलरेडी टिकट, तो माई बुकिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरा टिकट ऑलरेडी बुक किया हुआ है। टिकट पे फिर क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास मिलेगा। एक डाउनलोड का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे शेयर करने अगर जाते हैं तो यहाँ पे ये PNG फाइल शेयर होता है, ठीक है। और दूसरी अगर आप डाउनलोड करते हैं तो भी यहाँ पर PNG फाइल ही सेव होता है, ठीक है। तो इस टिकट को मैं हम लोग क्या होता है कि फट जाता है। लाइक यहाँ पर मैं व्हाट्सएप में एक बार दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे व्हाट्सएप में आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरह से आता है, जो कि बिल्कुल पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है, फट जाता है। इसको प्रिंट लेते हैं तो सही से नहीं आता है। तो इसके लिए एजेंट की जैसा कैसे आप प्रिंट लें, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सीधा आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद यहाँ पर आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे IRCTC.co.in, ठीक है। देन आप यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपको खुलेगा। अगर आप मोबाइल व्यू में अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको क्या करना है, थ्री डॉट में यहाँ पे क्लिक करना है। और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करना है। यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर लेना है आपको, तो लाइक आपका कंप्यूटर के जैसा यहाँ पर मोबाइल पर ही खुल जाएगा वेबसाइट, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे खुल जाता है वेबसाइट। अब आपको क्या करना है ना, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फोर लाइन बना हुआ है, फोर लाइन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कर लेंगे लॉगिन। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पासवर्ड सेव करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप टाइप कर लेंगे कैप्चा। ठीक है, कैप्चा और यहाँ पे साइन इन कर लेंगे आप। साइन इन करने के बाद मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, फिर से फोर लाइन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब फोर लाइन पे क्लिक करने के बाद माय अकाउंट सेक्शन पे जाना होगा। देन आपको माय ट्रांजैक्शन सेक्शन पे जाना होगा। देन यहाँ पर बुक टिकट हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर बुक टिकट हिस्ट्री पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितने भी आपका अपकमिंग जर्नीज़ है वो यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं और यहाँ पे प्रिंट का सिंबल देख रहे हैं आप। इस प्रिंट का सिंबल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंट के सिंबल पे क्लिक करेंगे, इसको ऐसे ओपन कर लेंगे क्लिक करके, ठीक है। ओपन करने के बाद प्रिंट के सिंबल पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेशन अभी एरर हो गया है, तो मैं एक बारी यहाँ पे फिर से वापस देख लेता हूँ सर्च करके। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है अभी, ठीक है। मैं री लॉगिन यहाँ पे कर लेता हूँ, दोबारा यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे प्रिंटर के ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे, और जैसे ही आप प्रिंटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे टिकट दिख जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको टिकट यहाँ पे दिख जाएगा। और ये टिकट दिखने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आपको दिखाएगा। प्रिंट प्रिंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रिंटर फाउंड करेगा। अगर आप प्रिंटर कनेक्ट है तो वहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर PDF लिखा हुआ है, PDF का सिंबल है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे PDF के सिंबल पे, तो फिर यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, कुछ भी रिनेम भी कर सकते हैं या फिर वैसे ही सेव कर सकते हैं डाउनलोड पे। मैं यहाँ पे रिनेम कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद एक बार ही मैं दिखा देता हूँ आपको टिकट।
ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अभी जो मैंने टिकट डाउनलोड किया, बिल्कुल यहाँ पे एजेंट के जैसा आप वो टिकट यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।